अक्सर घर में कई काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने से हमारे हाथों की स्किन रफ हो जाती है, ड्राई हो जाती है और स्किन फटने लगती है। और बर्तन धोने के लिए जो भी साबुन या डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं उसमें जो भी केमिकल होते हैं उनसे हमारे हाथों पर काफ़ी असर पड़ता है। इसकी वजह से हमारे हाथ सुंदर नहीं दिखते। हमें बीच बीच में कभी कभार मैनीक्योर करते रहना चाहिए और अपने हाथों को सुंदर बनाना चाहिए। हाथों की सुंदरता के लिए ज़रूरी है कि हाथों की स्किन सॉफ्ट हो, स्किन कहीं से कटी फटी ना हो और नेल्स भी सुंदर लगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घर पर ही बिना ब्लीच के हम अपने हाथों को सुंदर बनाने के लिए मैनीक्योर करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नेल पॉलिश रिमूवर से हम अपने नेल्स को साफ करेंगे। जो भी पुरानी नेल पेंट लगी हुई है उसको उतार देंगे और हाथों में अगर कोई रिंग पहनी हुई है तो उसे भी हम निकाल देंगे। पुराने नेल पेंट को मैंने उतार दिया है, तो आप मैनीक्योर करने से पहले हाथों का रंग देख सकते हैं। मैनीक्योर करने के लिए एक टब में थोड़ा सा शैम्पू डालेंगे, तो आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं जो भी आप अपने घर में यूज़ करते हैं। और फिर गर्म पानी डालेंगे और पानी इतना गर्म होना चाहिए कि हमारे हाथ टॉलरेट कर सके। और फिर इस गर्म पानी में एक चम्मच के करीब पेडीक्योर मैनीक्योर पाउडर डालेंगे। तो ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, जहाँ से भी हम पार्लर का सामान खरीदते हैं वहाँ से इजीली मिल जाता है। और पानी काफ़ी गर्म है तो इसमें थोड़ा सा नॉर्मल वाटर डालकर मिक्स करेंगे। और फिर इस गर्म पानी में हम दोनों हाथों को 5 से 7 मिनट के लिए डिप करके रखेंगे। पानी में एक पिंच बॉडी एक्सफोलिएटिंग सॉल्ट डालेंगे, तो आप रेगुलर सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, एक चुटकी ही डालना है। पाँच सात मिनट हो चुके हैं, तो अभी एक सॉफ्ट ब्रश लेंगे जिसे मैनीक्योर और पेडीक्योर में यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रश होता है और उस ब्रश के ऊपर थोड़ा सा शैम्पू लगाकर नेल्स के ऊपर रब किया जा रहा है और इसी तरह से पूरे हाथ पर भी रब करेंगे, तो नेल्स के आसपास जितनी भी मैल वगैरह होगी वो सारी निकल जाएगी। और इसी तरह से दूसरे हाथ को भी साफ करेंगे। तो अब ब्रश से साफ करने के बाद बॉडी स्पॉन्ज लेंगे और उसके ऊपर भी थोड़ा सा शैम्पू लगाकर अब हाथों को इससे रब करेंगे। इस तरह से करने से आपको अपने हाथों पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्पॉन्ज से साफ करने के बाद कोई भी स्क्रब लेंगे, जो भी आप अपने घर में यूज़ करते हैं वो आप स्क्रब ले सकते हैं और हाथों के साथ साथ बाजुओं पर भी हमें इसे लगाना चाहिए। स्क्रब करने के बाद उसी पानी से हम अपने हाथों को साथ साथ धोते जाएंगे, जो भी स्टेप करते जाएंगे इसी पानी में हम इसे धोते जाएंगे। तो अब साफ टॉवल से इसे सुखा लेंगे। तो अभी दूसरे हाथ की बारी है, इस हाथ पर भी स्क्रब लगाएंगे।
और अब नेल्स के ऊपर कोल्ड क्रीम लगा रहे हैं ताकि नेल्स थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, और फिर क्यूटिकल पुशर से नेल्स को थोड़ा सा पुश करेंगे, इससे नेल्स बड़े दिखते हैं। और साथ ही नेल्स में से मैल वगैरह भी निकाल देंगे। और साथ साथ नेल्स को साफ भी करते जा रहे हैं। नेल्स के आसपास की डेड स्किन को भी निकाल देंगे। हाथों को सुंदर बनाने के लिए हमें नेल्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अगर नेल्स साफ हैं, अच्छे से शेप किए हुए हैं, तो हाथ सुंदर दिखते हैं। अच्छा सा नेल पेंट लगाया हुआ है तो हाथ काफी सुंदर दिखते हैं। तो अभी नेल फाइलर से हम नेल्स की शेप बनाएंगे। नेल्स की शेप बनाने के बाद अब बारी है मसाज की। तो अब कोई भी कोल्ड क्रीम मॉइस्चराइजर लेकर अपने हाथों की मालिश करें। मैनिक्योर को कंप्लीट करने के लिए अच्छा सा नेल पेंट लगाएंगे और फिर मैं आपको अपने हाथों का फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है मैनीक्योर के बाद मेरे हाथों का फाइनल लुक। आपको ये मैनीक्योर का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैनीक्योर करने से पहले और मैनीक्योर के बाद का डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम घर पर ही अपने हाथों को बिना ब्लीच किए सुंदर और सॉफ्ट बना सकते हैं। अगर आपको घर पर ही मैनीक्योर करने का ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और साथ ही मेरे चैनल मोनिकाज़ DIY को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।